हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज लेके आया हूं बहुत खास वीडियो। ये है विशाल दुबे फ्रॉम माई स्कूल, दैट इज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर, एंड इंसिडेंटली ये मेरे हाउस का भी है, शास्त्री हाउस। आई एंजॉयड ब्रिंगिंग दिस यंग मैन टू यू बिकॉज इसने फर्स्ट चांस में एनडीए क्रैक किया, फर्स्ट चांस में एसएसबी क्रैक किया। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू मेडिकल इश्यूज ये एनडीए ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन नाउ इज इन कॉलेज एंड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। बट मजे की बात क्या है कि मैं उसको इसलिए लेके आया हूं क्योंकि अभी 40 दिन रह गए हैं एनडीए एग्जाम के लिए, और 40 डेज के अंदर हाउ कैन यू क्रैक एनडीए, ये एसेंस है इस पूरे के पूरे इंटरव्यू का। आप सुनना मैट गैट कैसे क्रैक करना है, कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, सो दैट यू क्लियर द कट ऑफ ऑफ द रिटर्न एग्जाम। इसके अलावा हिंदी मीडियम वाले क्या करें, कॉमर्स या आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वो कैसे एनडीए को क्रैक करेंगे, एसएसबी की तैयारी कैसे करनी है आपने, साथ के साथ फिजिकल फिटनेस के लिए कैसे करना है, और कैरेक्टर क्वालिटीज। कैरेक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैरेक्टर क्वालिटीज पर आपने पहले से काम करना है बच्चों। तो ये बहुत ही जबरदस्त सेशन था, मेरा लाइव सेशन था विशाल के साथ। प्लीज वॉच दिस एंड एंजॉय दिस बिकॉज ये आप सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, आप सबके लिए बनाया है मैंने। सो टुगेदर 40 डेज, लेट्स क्रैक इट एंड क्लियर एनडीए इन 40 डेज। सो वॉच दिस सेशन विद विशाल दुबे। थैंक यू, जय हिंद। गुड आफ्टरनून सर। हेलो विशाल, क्या हाल है। हेलो सर, ग्रेट सर, ग्रेट। गुड टू सी यू, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड सो टू सी प्राउड यू। ऑफ यू। यू मेक आर स्कूल प्राउड, बैंगलोर मिलिट्री स्कूल एंड माय हाउस शास्त्री हाउस प्राउड। सो हैप्पी टू सी यू। स्कॉर्पियंस, थैंक स्कॉर्पियंस। यू सर, थैंक यू सर। सो विच ईयर डिड यू जॉइन द स्कूल एंड लीव द स्कूल। सर आई एम फ्रॉम 2012 टू 2019 बैच। आई लेफ्ट द स्कूल इन 2019 after clearing the NDA and then getting recommended, and then I was I could not join NDA due to medical and fitness. So now I am pursuing my BA from humanities, this one from geography and history. Very good, very good, Vishal, and very good to hear you are a different generation. 2012 I was a brigadier, and 2019 I was already a major general. So I left the school in 1981. I left the school in 1981. Yes, sir. When you came for the OBO meet, we met you. You told us about this, all your incidents at school. That yeah, was inspiring. Yeah, I've been going regularly for the OBO meets because दिल में कहीं ना कहीं स्कूल के लिए बहुत जगह है। आई हैव ऑलवेज फाउंड टाइम फॉर माई स्कूल एंड माई स्कूल स्टूडेंट्स। तो बहुत खुशी हुई विशाल दुबे आपको देख के। तो बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर 40 डेज रह गए, हाउ टू क्रैक इट, एनडीए कैसे क्लियर करें 40 डेज में। तो उसके बारे में आपसे बात करेंगे, फिर मेडिकल का पूछेंगे क्या हुआ। बट पहले मैं जानना चाहता हूं, हाउ डिड यू क्रैक एनडीए इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। सर इट वाज लाइक बेसिकली इन स्कूल, दैट्स व्हाट वी आर देयर फॉर, यू नो। आवर स्कूल इज अ फीडर इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, सो वी कीप ऑन प्रिपेयरिंग। Sir, after I finished my 11th class, I started focusing on the NDA written exam. And like one thing I would like to advise is take it step by step. Don't think about medical when you are in SSB. Don't think about SSB when you are preparing for a written exam. So taking it step by step is the key. Sir, when I was in 11th, I was already done by with my 11th maths. So I had done the important chapters of my 11th maths. When I started 12th, I found that the calculus part was a bit difficult for me and it took too much time, so I skipped it, and then I focused on rest of the chapters way too much. I did them twice, thrice, and I took the usual books that everyone takes. I took NDA, NA, RS Agrawal for maths, and for the GAT part, as I was in the school quiz team, so I had a pretty strong base for GAT. So I did, focused on English, focused on science, because those are academic subjects that we are taught in our school as well. No. The science that comes in the exam is from 10th class and some questions from 11th class. So I focused on that.
अदर देन दैट इंग्लिश इट केम फ्रॉम बेसिक रीडिंग एंड सब्जेक्ट नॉलेज दैट वी गॉट फ्रॉम आवर क्लासेस, सो दैट वॉज इनफ. अदर देन दैट देयर इज अ जीके पार्ट ऑल्सो एंड आई डिडंट फोकस टू मच ऑन इट बिकॉज इट इज टू वाइड एंड फॉर इट इज हार्ड टू कवर इट इन द स्मॉल टाइम फ्रेम दैट वी हैव. सो आई ट्राइड नॉट टू फोकस टू मच ऑन इट. आई रेड थ्रू सम एनसीईआरटी सो इट हेल्प मी क्रैक अराउंड 10-12 क्वेश्चन एंड आई थिंक दैट वॉज इनफ फॉर मी. नहीं, वेरी गुड. ये मैं बता दूं सबको कि विशाल इज इन द क्विज टीम ऑफ द स्कूल. अच्छा विशाल, अपने टाइम पे मैं भी क्विज टीम में होता सर, था. शांति हाउस डोमिनेट का क्विज टीम. मैंने भी क्विज में ना, क्योंकि अखबार पढ़ने का शौक था, करंट अफेयर्स वगैरह का, और वहीं से क्वेश्चन कई आते हैं जो लोगों को नहीं सेम पता सर, थे. तो हमने भी कई बार क्विज में ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दिए जो कि पहले मेरे को लिया नहीं हाउस टीम में, मैं पीछे बैठा था. तो दो तीन सवाल विच दे थ्रो ओपन टू द हाउस ना, जो कोई टीम नहीं आंसर कर हाँ सर, सकती. तो मैंने कहा मुझे पता है, तो अगली बार ले लिया उन्होंने मेरे को हाउस टीम में. देन ऑफ कोर्स दो तीन साल हम रहे, क्यों, दैट इज गुड टू थिंक ऑफ आर स्कूल, शास्त्री हाउस एंड बैंगलोर मिलिट्री स्कूल. अभी ना मुझे स्पेसिफिकली दो तीन चीजों के आपसे ना वो चाहिए. एक तो बहुत से बिल्कुल सर. बच्चे मुझे कहते हैं, सर हम ना ब्रेक ले रहे हैं, कैन वी टेक अ ड्रॉप. मैं कहता नो यार, हमारे स्कूल में तो सब 12th भी करते हैं और एनडीए भी एक ही चांस में करते हैं क्लियर. सो उसके बिल्कुल बारे में आपका क्या कहना है? बहुत से बच्चे कहते हैं ड्रॉप ले लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. सर, मतलब मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि किसी भी डिफेंस के एग्जाम के लिए ड्रॉप नहीं लेना चाहिए. वन वेरी थिंग इज गुड, दैट एसएसबी इज सच एन अनसर्टेन प्रोसेस दैट इवन आफ्टर यू टेक अ ड्रॉप यू आर नॉट सो श्योर दैट यू विल बी एबल टू क्लियर इट. जरूरी नहीं है कि आप एसएसबी क्लियर ही कर जाएंगे इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. सो टेकिंग अ ड्रॉप इज काइंड ऑफ अनफीजेबल. और जो रिटन पार्ट होता है एग्जाम का, आई थिंक इफ यू जस्ट गिव 3 to 4 hours डेली तो आप बिना ड्रॉप के उसको बहुत स्मूथ मार्जिन से क्लियर कर सकते हैं. तो ड्रॉप आई थिंक इज नॉट फीजिबल सर, यू आर राइट देयर कि मतलब बिल्कुल ये ड्रॉप नहीं लेना चाहिए. मैं तो बोलता हूँ हराकिरी है. मैं बोलता हूँ सुइसाइडल है बिल्कुल कि तुम सर, एक साल वेस्ट कर दो, कॉलेज ना जाऊं कि मैं एनडीए के लिए. कौन चांस, कौन आपकी गारंटी देगा एसएसबी की? कोई बिल्कुल गारंटी सर, नहीं दे सकता. एंड सेम इज फॉर सीडीएस. सो फ्रेंड्स, सेम प्लीज सर, डू नॉट टेक ड्रॉप. दिस व्हाट विशाल आल्सो सेज, फॉर डिफेंस एग्जाम्स, फौज के लिए मत लो, आईएएस आईपीएस बिल्कुल उसके लिए ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. तो एक तो बिल्कुल ये सर, था, बिल्कुल. गुड. दूसरा मुझे बताओ, गैट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? गैट और मैट दोनों का बताओ मुझे. गैट के लिए क्या स्ट्रेटजी थी और मैट के लिए क्या स्ट्रेटजी थी? सर मैं मैथ्स से स्टार्ट करता हूँ. सर मैथ्स पार्ट देर आर 120 क्वेश्चंस एंड आई ब्रोक देम डाउन. देर आर 40 क्वेश्चंस फ्रॉम कैलकुलस पार्ट और बाकी 80 क्वेश्चंस जो होते हैं दे आर फ्रॉम अदर टॉपिक्स. उनमें आई विल फर्दर ब्रेक डाउन. जो 80 क्वेश्चंस होते हैं उसमें अराउंड 20 आर फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स. तो अब मैं आपको एक बहुत बिल्कुल स्मूथ स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स दे आर द इजिएस्ट चैप्टर्स इन आर मैथ्स सिलेबस. आप 5 days के अंदर उनको इतने अच्छे से मास्टर कर सकते हो, 5 to 7 days के अंदर, कि आउट ऑफ द 20 questions यू विल बी एबल टू आंसर अराउंड 17 questions वेरी इजीली. सो उसके अलावा फ्रॉम रेस्ट ऑफ 60 questions इफ यू फोकस ऑन 2D, दैट इज 2D जियोमेट्री, 3D जियोमेट्री एंड वेक्टर्स, इन 3 chapters से अगेन देर आर अराउंड 15 to 17 questions. और इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर ऑल्सो इजी, नॉट लाइक फ्रॉम द IIT स्टैंडर्ड और समथिंग. और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं. अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आउट ऑफ द 17-18 questions यू विल बी इजीली क्रैकिंग 12 to 13 questions. तो दिस इज लाइक सच अ सिंपल स्ट्रेटजी दैट विद ओनली 5 chapters यू कैन क्लियर अराउंड 35 to 40 questions. वेरी गुड, वेरी गुड. उसके बाद यही यही बताने की, इनको समझने की जरूरत है. वंस अगेन, इफ यू जस्ट ब्रेक दिस डाउन इन अ सिंपल मेथड, क्योंकि लड़कियां भी इस बार एनडीए की तैयारी कर रही हैं, बिल्कुल बहुत सर, सी लड़कियां तैयारी कर रही हैं. तो यस दोबारा सर, मैथ का दोबारा बताओ कि कौन से चैप्टर्स पे इन 40 days में कॉन्सेंट्रेट करना है और इसकी कट ऑफ कितनी होनी चाहिए मैथ्स की? यस सर. मैं मतलब टू बी ऑन द सेफर साइड आई वुड से यू शुड गेट अराउंड 55 marks ऑफ 55 questions. सो दैट इज अराउंड 55 into अराउंड 120 marks यू हैव टू गेट इन मैथ्स टू बी ऑन द सेफर साइड. ठीक है, सो उसके लिए दिस इज द इजिएस्ट स्ट्रेटेजी. यू फोकस ऑन द 5 easiest chapters. द 5 easiest chapters बीइंग वेक्टर, 2D, 3D, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. दे आर इजी चैप्टर. अगर कोई भी 1 month और 35 days के अंदर इनको एक हेल्प बुक और एक एनसीईआरटी से करेगा तो एनीवन कैन मास्टर दीज चैप्टर्स. कि आउट ऑफ द 40 क्वेश्चंस ही कैन इजीली आंसर 30 to 35 क्वेश्चंस.
और बाकी जो चार पांच क्वेश्चंस हार्ड होते हैं यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम ऑन देम, यू जस्ट लीव देम, डोंट टेक इट ऑन योर लाइक सम पीपल टेक इट ऑन देयर ईगो दैट आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, डोंट टेक इट दैट वे. उसके वेरी बाद जो गुड, बाकी 30-40 क्वेश्चंस आपके पास बचे, अगर आपने बाकी चैप्टर्स को एटलीस्ट ट्वाइस किया हुआ है तो आई थिंक यू कैन आउट ऑफ द रेस्ट 40 क्वेश्चंस, हाउ मच हाउ सो एवर हार्ड दे कम, यू कैन क्रैक 10 to 12 क्वेश्चंस. सो 40-40 प्लस अगर आप है तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द मेरिट लिस्ट, यू विल बी इन दिस वन रिटन क्वालिफाइड लिस्ट. बट टू बी ऑन द सेफर साइड, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके हम 5-6 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इफ यू क्रैक 50+ क्वेश्चंस यू विल बी ऑन द सेफर साइड इन मैथ सेक्शन, वेरी देन गुड. वी कैन अभी मूव ऑन इसका टू बताओ, गेट. गैट गैट का बताओ. सर गेट अगेन आई विल ब्रेक डाउन, सर बहुत मतलब गेट को भी बहुत सिंपली हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं. आउट ऑफ द 150 क्वेश्चंस देयर आर 50 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, देन 50 क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस पार्ट, एंड 50 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस. तो सर क्या होता है कि जनरली जो फर्स्ट टाइम देते हैं या जो मतलब इवन आफ्टर सम गिविंग मेनी अटेम्प्ट्स, लोग जो थर्ड पार्ट है जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पार्ट है उस पे एक्स्ट्रा फोकस करते हैं. हमेशा हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपने पॉजिटिव्स, अपनी स्ट्रेंथ्स और एग्जाम की वीकनेस पे फोकस करना. तो एग्जाम की वीकनेस वेरी यानी इजिएस्ट पार्ट्स, तो इजिएस्ट पार्ट्स आर इंग्लिश और साइंस, गुड. क्योंकि वो साइंस तक केवल 10th स्टैंडर्ड तक की आती है मोस्ट बेसिकली. और एग्जैक्टली समटाइम्स सम क्वेश्चंस, लेट्स से 5 to 6 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम 11th और 12th स्टैंडर्ड, तो उन पे ज्यादा फोकस ना करके वी कैन फोकस ऑन द इजी पार्ट्स. तो अगर हम 50 आउट ऑफ द 50, लेट्स से इन इंग्लिश यू हैव टू स्कोर 35+, मतलब यू हैव टू गेट मार्क्स ऑफ 35+ करेक्ट क्वेश्चंस आफ्टर एक्सक्लूडिंग योर नेगेटिव्स. एंड सेम इन साइंस, यू हैव टू ट्राई टू गेट अराउंड 40 और 35+ इन साइंस. एंड देन इन द 50 क्वेश्चंस दैट आर देयर इन द हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पार्ट, इफ यू आर थॉरो विद द करंट अफेयर्स, यू नो जस्ट गो थ्रू सम कॉमन टॉपिक्स लाइक इफ देयर आर गेम्स हैपनिंग, टोक्यो गेम्स, देयर मैस्कट, हु वन सर्टेन मेडल्स, एंड देन देयर आर सर्टेन टूर्नामेंट्स हैपनिंग, देन देयर आर डिफेंस एक्सरसाइजेस, देयर इज सम न्यू वेपन दैट इज इंडक्टेड, सम दिस थिंग, सम शिप और सब सबमरीन. सो फोकस ऑन दीज पार्ट, यू विल इजिली गेट 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट. उसके अलावा बेसिक ज्योग्राफी जो 6th क्लास की होती है और जो 9th क्लास की होती है एनसीईआरटी, उस पे उसको हम सिर्फ 2 रीडिंग करेंगे, मतलब बहुत दे आर वेरी थिन बुक्स, लाइक दे आर अराउंड 100 पेजेस ओनली, मतलब तो अगर हम उनकी 2-3 बार रीडिंग करेंगे तो वी कैन गेट थोरो विद देम और उनसे हम 3 से 4 क्वेश्चंस निकाल सकते हैं. तो आई थिंक ये 80+ क्वेश्चंस की स्ट्रेटेजी है हमारे पास. उसके बाद इफ यू वर्क हार्ड, आप इन्हीं टॉपिक्स को बार बार करें, 3 बार करें, तो इन इंग्लिश यू कैन गेट 40+, इन साइंस यू कैन गेट 40+. तो दिस इज आवर टॉपर स्कोर, दे आर नॉट लाइक स्कोरिंग टू मच फ्रॉम द हिस्ट्री ज्योग्राफी सेक्शन, दे आर स्कोरिंग द ऑप्टिमम अमाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम दीज 2 सेक्शन, द इजिएस्ट वंस, इंग्लिश एंड साइंस. तो दैट इज द बेस्ट इसका कैटेगरी. मतलब विशाल ये है कि हार्ड वर्क तो है, देखो उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है, उसके अलावा स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. स्मार्ट वर्क बिल्कुल सर, स्मार्ट हार्ड वर्क आई वुड से. एंड दैट इज ट्रू स्पिरिट ऑफ बीइंग एन एनडीए गाई, कि यू हैव टू बी बिल्कुल सर, स्मार्ट. अगर स्मार्ट नहीं तो एनडीए में भी नहीं गुजारा होता. बिल्कुल सर, बिल्कुल. एक्सेलेंट. तो मैट और गैट तो आपने बता दिया, अब हाँ बताना सर, बिल्कुल. कि हाउ डिड यू क्रैक द SSB? उसके लिए आपने एक्स्ट्रा क्या तैयारी करी, या जो स्कूल में था वही किया आपने, क्या किया एक्स्ट्रा? सर आई टुक SSB एज अ प्रोसेस, कि जब मैं 11th में था देन आई स्टार्टेड टू टॉक विद माई सीनियर्स कि मतलब क्या होता क्या एग्जैक्टली SSB में, एंड आई सॉ सर्टेन वीडियोज. सो वॉट आई फाउंड आउट दैट इट वॉज अ बेसिक पर्सनैलिटी टेस्ट, और यही हमें बताया भी गया कि इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट. तो आई थॉट कि मैं अपनी पर्सनैलिटी पे पहले काम करता हूँ, तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, के मतलब के कैसे लाइक आई वॉज अ पब्लिक स्पीकर, आई वॉज इन द डिबेट टीम एंड ऑल, तो मैंने उसको पब्लिक स्पीकिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ा मुझे. बट अगेन देर आर मेनी थिंग्स इवन आफ्टर दैट, तो आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग थिंग्स क्लोजली, कि अगर मेरे को स्कूल लाइफ से क्वेश्चंस आएंगे इंटरव्यू में तो आई शुड हैव सम मटेरियल, आई शुड हैव सम मेमोरीज. सो आई ट्राई टू क्रिएट मोर मेमोरीज एंड उनको थोड़ा सा रिकॉल करते वक्त, व्हेन आई वाज लिविंग दोज मेमोरीज, कि उनको दिमाग में डालते वक्त कि आई व्हाट आई कैन टॉक अबाउट देम इन SSB, हाउ आई कैन यूज देम इन माई स्टोरीज, एंड हाउ आई कैन यूज देम इन माई दिस वन वर्ड टेस्ट. तो आई थिंक दिस वॉज द बेसिक थिंग. आफ्टर आई क्लियर माई रिटन एग्जाम, सो आई इवन बिफोर द रिजल्ट केम आई वेंट टू दिस अ कोचिंग फॉर 15 डेज, दिस वन गाइडेंस प्रोग्राम. सो वॉट दे टॉट अस वॉज हाउ एग्जैक्टली द प्रोसेस वर्क, कि मॉक हमने वहां पे दिए सर, जो स्टोरीज लिखनी थी
उनके मॉक स्टोरीज लिखे हमने, देयर वर इवेल्यूएटर्स एंड देवर ऑल्सो जॉर्जियंस, तो दे वर लाइक वेल वर्स्ड विद हाउ वी गो थ्रू लाइफ इन स्कूल, सो उन्होंने भी काफी हेल्प की उस तरह से. और सर उस तरह से फिर मैंने अपनी प्रोफाइल बिल्डअप की, टेस्ट को ब्रेक डाउन करके द साइकोलॉजी टेस्ट में मेरी कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको उन्होंने रेक्टिफाई कराया. और बेसिकली सर मैं यही कहूंगा कि फॉर साइकोलॉजी टेस्ट एंड फॉर इंटरव्यू टेस्ट, इफ जो भी हमारे साथ हो रहा है ओवर द प्रीवियस 1 ईयर उस पर ध्यान देना है, उसमें से कैसे हमारी कुछ गलतियां हो सकती हैं, और या फिर हम इनमें से कौन से पॉजिटिव्स आउट निकाल सकते हैं, कुछ मोरल्स ढूंढ सकते हैं. तो सर उस तरह की स्टोरीज हमारे काम आती हैं, उस तरह के इंसिडेंट्स इंटरव्यू में काम आते हैं. और सेम यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर या कुछ हल्का फुल्का, ताकि यू आर अपडेटेड टू अ सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल, कि यू आर नॉट इफ यू आर अनेबल टू आंसर इवन द बेसिक क्वेश्चंस, तो अगर इंटरव्यूअर को उससे फर्क नहीं भी पड़ेगा, बट योर ओन कॉन्फिडेंस गोज डाउन कि इवन आई एम नॉट एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन. तो वो सब बिकॉज अगर हम लेके चलें तो आई थिंक SSB इज अ प्रेटी इजी प्रोसेस. नहीं, मैं बिल्कुल ना, मुझे अपने दिन याद आ रहे हैं तेरी बातें सुन के। हमने भी जो स्कूल में किए ना काम, SRT तो अपनी वैसे ही क्लियर है, एंड बिल्कुल एटीट्यूड भी, एटीट्यूड ऑल्सो बिकम्स क्लियर एज यू ग्रो फ्रॉम 9th to 10th, 10th to 11th, यू बिकम एन अपॉइंटमेंट, यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नो यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एथलेटिक्स मीट, यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कल्चरल शो, ड्रामेटिक्स, डिबेट, यू आर प्रिपेयरिंग योर टीम, सो लॉट ऑफ लीडरशिप स्किल्स, लॉट ऑफ स्किल्स विच यू डोंट नो, इनएडवर्टेंटली आप पिकअप करे जा रहे हो अपनी डेली लाइफ से, और उनको आपने फिर कैसे चैनलाइज करना है SSB में, यू टू शो नाउ, यू टू शो दीज एट्रीब्यूट कि आप में ये सब है जो आपने स्कूल में कॉलेज में किया है। सो रियली वंडरफुल, आपने बिल्कुल सही कहा, दिस इज द वे। एंड SSB की तैयारी, जैसे आपने कहा, यू मस्ट स्टार्ट मच अर्लियर, डोंट वेट फॉर द रिटर्न एग्जाम। रिटर्न की वेट करोगे और सोचोगे एक माइलस्टोन है, पहले रिटर्न दूंगा फिर रिजल्ट की वेट करूंगा, फिर एक दिन होगा फीता काटेंगे, आज से SSB ट्रेनिंग है, बिल्कुल इट मे बी टू लेट, है हाँ ना? सर बिल्कुल. मतलब आई वुड सजेस्ट कि प्रॉपर जो SSB के जो प्रोसेसेस हैं कि जो साइकोलॉजी टेस्ट कैसे देने हैं मेरे को, हाउ टू राइट आंसर्स, उनको आप बाद में करें रिटर्न के, बट द बेस दैट योर कैरेक्टर इज द बेस, तो उस कैरेक्टर पे काम करना, उस अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करना, तो वो काफी पहले शुरू कर सकते हैं. एंड इवन इफ यू आर नॉट गिविंग एन SSB और SSB क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, इट इज अ बेसिक थिंग टू डू, यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग इन लाइफ. तो ग्रोथ के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना ही चाहिए. तो सर एंड वेन यू गो फॉर SSB, दैट्स वॉट दे आस्क, समवन हु इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, समवन हु नोज दैट हाउ इम्पोर्टेंट इज टू वर्क ऑन हिमसेल्फ. तो सर आई थिंक दैट इज इनफ फॉर वेरी गुड। SSB. ये भी बताओ विशाल, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हमने कॉमर्स ले रखी है, हम साइंस में, हम NDA क्लियर कर सकते नहीं कर सकते, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, मैं हिंदी मीडियम से हूं, उनके भी कुछ फंडा क्लियर करो, आप क्या समझते हो? बिल्कुल सर. मतलब ये तो मैं कहूंगा कि जो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या जो आर्ट स्ट्रीम से हैं या हिंदी मीडियम से हैं, तो उनके लिए आई थिंक उनकी जो स्टार्टिंग लाइन है वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है, क्योंकि जो NDA एग्जाम का जो ओरिएंटेशन है वो साइंस स्टूडेंट्स के पैटर्न को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है सर. तो उनको सर मैथ्स में आई वुड से दैट कैलकुलस इज द हार्डेस्ट पार्ट, और अगर वो कैलकुलस पे मास्टर करने बैठेंगे तो आई थिंक दे विल टेक अराउंड 4 to 6 months इसी चीज में निकाल देंगे वो. तो आई थिंक फॉर देम माई स्ट्रेटेजी वुड वर्क बिल्कुल फाइनली, कि दे हैव टू फोकस ओनली ऑन द इजिएस्ट चैप्टर्स एंड डू देम रिपीटेडली ट्वाइस थ्राइस, बिकॉज प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स सर ये बेसिक लॉजिकल, अगर आप लॉजिकली इफ यू आर एबल टू थिंक लॉजिकली तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं. तो सर आई वुड से कि उनको इजिएस्ट पार्ट्स पे फोकस करना चाहिए. एंड फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स द मेन प्रॉब्लम वुड बी इन इंग्लिश पार्ट. तो सर आई वुड से कि अगर इंग्लिश को हम एज अ सब्जेक्ट लर्न करने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली इट बिकम्स हार्ड. सो द फर्स्ट स्टेप इज लुकिंग एट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज एंड हाउ वी लर्न लैंग्वेज मैं बाय हमेशा यही इंटरेक्टिंग. कहता हूँ इसको ना, बिल्कुल सर बिल्कुल. हाँ, इसको सब्जेक्ट मत लो, इसको ये मत सोचो, तो इंटेलिजेंट लोग इंग्लिश बोलते हैं, धेले की बात बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, इंग्लिश एक इट्स लैंग्वेज है, लैंग्वेज उसको भाषा की तरह सीखने की, पकड़ने की कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल सर. और मतलब भाषा के साथ इन्वॉल्व करो अपने आप को, लाइक वॉचिंग मूवीज इट्स अ ग्रेट वे, रीडिंग बुक्स, रीडिंग आर्टिकल्स, रीडिंग मतलब सिर्फ आपको इंटेलेक्चुअल टेक्स्ट या हैवी टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक टेक्स्ट, रीडिंग स्टोरीज, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आएगा, यू विल कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स. तो ये सब जो चीजें हैं ये प्रोसेस थोड़ा पहले शुरू करना पड़ेगा आपको. अगर यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम तो इट वुड टेक एटलीस्ट 7 to 8 months टू गेट बेसिक कमांड. उसके बाद आप एग्जाम के लिए लाइक टू फाइंड एरर्स,
to do jumble sentences. You can take some books that are there from SSC CGL exam. So there are certain books and some publications. आप उनका यूज कर सकते हो. यू कैन रीड ओनली सिलेक्टेड टॉपिक्स एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो प्रैक्टिसिंग दोज क्वेश्चंस विल हेल्प यू. सो दिस इज द स्ट्रेटजी दैट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कैन यूज फॉर क्रैकिंग द इंग्लिश एग्जाम. दिस वन गेट पार्ट. और उसके अलावा तो सर मतलब जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले हैं उनको मैथ्स में इजी चैप्टर्स पे फोकस करना ही है. और जो बाकी स्ट्रेटेजी है वो सेम रहेगी क्योंकि 10th तक के क्वेश्चंस आते हैं साइंस में एंड एवरीवन इज अ साइंस स्टूडेंट टिल 10th. तो वो आई थिंक इज द राइट स्ट्रेटेजी. हाँ, सो दोज जो हिंदी मीडियम में हैं और लेट जागे हैं, आपको देखो इंग्लिश के बिना गुजारा नहीं है। पहली बात तो रिटर्न ही नहीं क्लियर होना, और रिटर्न कर गए तो एसएसबी भी हेविली लोडेड है फॉर इन फेवर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इन इंग्लिश। जो बिल्कुल मर्जी बिल्कुल बोलो जी, हिंदी बोल देना नहीं चलेगी, एक आधी जगह चल सकती है, बट आप सोचो जीडीपी हिंदी में कर दो, लेक्चरेट भी हिंदी में कर दो, साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे करोगे आप, और इंटरव्यू आपसे कितनी देर आप हिंदी में बात करेगा आपसे। सो नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज अ मस्ट। अगर नहीं है तो देन आप 1-2 साल दो, फिर सीडीएस में आओ पूरी तैयारी करके, फिर डोंट गो बिल्कुल रॉन्ग, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। आप क्लियर भी कर गए रिटर्न तो एसएसबी में, सो डोंट लेट दैट हैपन। मैं हमेशा एडवाइस करता हूं, अगर लेट जागे हो कोई बात नहीं, फिर और मेहनत करो एंड स्ट्रेट जाके अटैक करो, फिर सीडीएस को अटैक करो, है ना? बिल्कुल व्हाट डू सर यू से? बिल्कुल सर. और मतलब फिर से अगर लेट जागे हो तो यू डोंट नीड टू टेक अ ड्रॉप ईयर. इंग्लिश सीखने के लिए ड्रॉप ईयर की जरूरत नहीं है. इंग्लिश सीखने के लिए अपनी लाइफ में इंग्लिश को इन्वॉल्व करने की जरूरत है. आप जो चीज मतलब जो बेसिक चीजों के नाम आप हिंदी में बोलते हो, ट्राई टू यूज देयर इंग्लिश नेम और उनको बेसिक सेंटेंसेस रादर देन सेइंग कि वो मेरे को उठा के दे दो तो से स्विच ऑफ द लाइट्स या पास मी दैट थिंग. ऐसे करके आप अपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर पे धीरे धीरे काम करोगे तो इन 8 to 9 months आपका कॉन्फिडेंस वहां पहुंच जाएगा. आई एग्री विद यू, आई टोटली एग्री विद यू। तो ये बहुत आपने बढ़िया बात बताया कि मैट के लिए क्या स्ट्रेटजी है, गैट के लिए क्या स्ट्रेटजी है, एसएसबी के लिए क्या स्ट्रेटजी है। हियरिंग फ्रॉम अ यंग बिल्कुल पर्सन सर. इज वेरी नाइस। अब मुझे टाइम प्लान बताओ, आप जब स्कूल में थे, हम तो बोर्डिंग यस सर स्कूल में थे, वाहियात चीजें भी बिल्कुल होती थी, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन भी हो रहे हैं स्कूल में, ये भी हो रहा है, उसके अलावा आपने 10th 12th बोर्ड्स भी किया, एनडीए भी क्लियर किया, एसएसबी, तो क्या टाइम प्लान क्या आप सजेस्ट करोगे यंग यंग बच्चों को? हाउ शुड दे प्लान देयर टाइम? डेली रूटीन क्या होना चाहिए, टाइम प्लान क्या होना चाहिए? सर. मतलब मेरे हिसाब से जो डेली रूटीन का जो सिस्टम होता है, जो बंदे अपना टाइम टेबल भी बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से वो सबका अलग होता है. और हमारा आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से 1 वीक तक एक्सप्लोर करना चाहिए. एक्सप्लोर कि आपको किस टाइम पे यू आर एक्टिव, किस टाइम पे आपको पढ़ने का मन करता है. मैं इस फिलोसफी में बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि सब सेम टाइम पे नहीं पढ़ सकते. सम आर अर्ली मॉर्निंग वाले चैप्स एंड देन देयर आर लेट नाइट चैप्स. तो आई माई सेल्फ एम अ लेट नाइट चैप. तो इस तरह से आप पहले एक्सप्लोर करो आप कौन से टाइम पे पढ़ते हो, आपका दिमाग कहाँ एक्टिव रहता है और आपके बाकी जो कमिटमेंट्स हैं जो बाकी लाइफ में, जैसे हमने बोला ड्रॉप ईयर नहीं लेना है, तो आपकी कॉलेज की क्लासेस हैं उनके बीच में आप कहाँ टाइम निकाल सकते हो. और मेरे हिसाब से आप अपने जो स्टडी इंटरवल्स हैं कीप इट अराउंड 5 आवर्स डेली, 4 to 5 आवर्स या फिर 3 to 4 आवर्स. और वीकेंड्स पे थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश कर सकते हैं, मे बी स्ट्रेचेस टू 6 आवर, है ना. तो ऐसे करके अगर हम करें तो वी कैन डू दिस. और उसके अलावा इवन योर स्टडी टाइम नीड नॉट बी अ 4 आवर सिंगल स्ट्रेच. ब्रेक इट डाउन, लेट से बिफोर गोइंग टू कॉलेज यू कैन स्टडी फॉर 1 आवर सम सिंपल सब्जेक्ट जो आप पूरे दिन दिमाग में चला सकते हो. जैसे मैं ये करता हूँ, लाइक आई बिलीव इन पैरेलल टास्किंग. तो वॉट इज पैरेलल टास्किंग इज यू स्टार्ट अ टास्क एंड देन यू कीप इट इन माइंड, ठीक है. एंड देन वेन यू आर डूइंग योर लाइक डे टू डे यू आर गोइंग थ्रू डे टू डे एक्टिविटीज, तो आप उस टास्क को दिमाग में चलाते रहो कि अगर मैंने कुछ फॉर्मूले याद किए, इफ आई रेड लेट से एन एम्पायर लाइक मुगल एम्पायर, तो मैं उसके किंग्स को थोड़ा दिमाग में चलाता रहता हूँ वेन आई एम गोइंग थ्रू क्या कहते हैं माई कॉलेज. तो जैसे अगर मैं पास कर रहा हूँ रास्तों में तो मैं देखता हूँ 4 बंदे आ रहे हैं, तो आई विल नेम देम एज अकबर दिस थिंग, आई विल जस्ट ट्राई टू रिवाइज थिंग्स लाइक दिस. तो ऐसी पैरेलल टास्किंग आप कर सकते हो. दिस सेव्स टाइम एंड दिस इम्प्रूव्स इन्वॉल्वमेंट विद द मटेरियल. तो इससे आपको वो चीजें याद रहती हैं. तो ऐसे कर सकते हो आप बिफोर गोइंग टू कॉलेज और क्लासेज या कोचिंग. यू कैन स्टडी फॉर 1 आवर एंड देन आफ्टर कमिंग यू कैन स्टडी फॉर 2 आवर्स एंड देन बिफोर स्लीपिंग यू कैन स्टडी फॉर 1 आवर एंड ऑन वीकेंड्स यू कैन गिव वन बिग स्ट्रेच मे बी 2-3 आवर्स एंड देन अगेन 2-3 आवर्स. तो इस तरह से आई वुड से. और बाकी जो टाइम टेबल है देयर इज नो सेट टाइम टेबल, सबको अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने एक्सप्लोर करें 1 वीक तक और उसके बाद अपना टाइम टेबल आप बनाए खुद. तो आई थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू. वेरी गुड। और ये भी मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि सिर्फ किताबी कीड़ा ना बने,
अगर फौज में अफसर बनने की ठानी है तो फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, उसके बिना ना तो पर्सनैलिटी निखरेगी। अगर पेट निकल रहा है, गाल लटक रहे हैं आपके, आपकी पर्सनैलिटी में दिमाग में जो मर्जी हो, तो वो भी जरूरी। उसके लिए आप क्या एडवाइस? हम तो मिलिट्री स्कूल वाले तो भागते दौड़ते, हमारी तो बात अलग थी, बट जो नॉर्मल बच्चे जो घरों में रहते हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनके लिए विशाल आप क्या रिकमेंड करोगे? फिजिकल फिटनेस के लिए क्या रूटीन होना चाहिए? सर मतलब मैं अभी अगर मैं अपने आप को बोलूं तो मैं आई कॉल माई सेल्फ फिटनेस फ्रीक इन दैट मैटर कि आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन थ्रू एंड थ्रू सर। फ्रॉम स्कूल लाइफ आई हैव बीन प्लेइंग 4 to 5 गेम्स। और सर अभी भी व्हेन आई हैव जॉइंड कॉलेज तो फॉर्चुनेटली माय कॉलेज हैज अ गुड बास्केटबॉल कोर्ट एंड अ वॉलीबॉल कोर्ट, तो आई कंटिन्यूअसली एंगेज माई सेल्फ इन स्पोर्ट्स। आई प्ले फॉर अराउंड 2 to 2.5 आवर्स डेली। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि यू डोंट हैव द लग्जरी ऑफ दैट मच टाइम कि आप 2 2.5 घंटे रोज दें, तो ट्राई जॉगिंग। जॉगिंग इज द सिंपलेस्ट एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग। तो आप ये कोई भी एक चीज लेके यू कैन डू फॉर अराउंड 35 to 40 मिनट्स। और आप अपने टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, सुबह करना है आपको इफ यू कैन वेक अप अर्ली। और आई प्रेफर इवनिंग्स, आई डू इट अराउंड 5:30 इन द इवनिंग और मैं उसके बाद फिर करता रहता हूँ रात तक। तो सर इस तरह से एटलीस्ट गिव 35 to 40 मिनट्स डेली। और मतलब नाउ डेज यू हैव सो मेनी ऑप्शन, इवन विद इन दिस यू कैन एक्सप्लोर सर्टेन, यू नो देर आर सर्टेन एक्सरसाइज रेजिम्स आई वुड कॉल देम, दैट देर इज वन कैलिस्थेनिक, यू कैन डू कैलिस्थेनिक्स एंड देन देर इज वन क्रॉसफिट रेजिम। तो ऐसे करके यू कैन फाइंड योर रेजिम कि आप मतलब किस तरह की रेजिम में कंफर्टेबल हो, आप घर पे विद कौन से इक्विपमेंट्स का यूज करके आप किस तरह की रेजिम फॉलो कर सकते हो, उसको फॉलो करें। उसके अलावा मतलब एज वी से कि आपकी जो फिटनेस है वो जिम से पहले आपकी किचन में स्टार्ट होती है, तो यू हैव ओह टू पे अटेंशन टू व्हाट यू वंडरफुल, ईट। दिस इज वंडरफुल, दिस इज वंडरफुल। आपने उनको ऐसे शब्दों में डाला है, मैं भी सारी उम्र यही कहता रहा हूं कि यार फिटनेस पहले स्टार्ट होती है आपकी प्लेट से। आप खा क्या रहे हो? बिल्कुल सर, वाहियात चीजें कितनी बिल्कुल आप इसके अंदर डाल रहे हो सिस्टम में कि आपको वो दिस इज बिल्कुल वंडरफुल। सर, दोबारा बोलो कि यार फिटनेस स्टार्ट फ्रॉम द किचन। या डेफिनेटली योर फिटनेस बिफोर जिम स्टार्ट्स फ्रॉम योर किचन। तो ट्राई हाँ टू इंकल्केट सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन योर डाइट। उसके अलावा ऑब्वियसली सबसे घिसी पिटी जो एडवाइस सब देते हैं, ड्रिंक मोर वाटर। सो ये सब आप फॉलो करो। एंड बात ये हो जाती है सर कंसिस्टेंसी की। तो इफ यू आर कंसिस्टेंट विद इवन बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइजेस लाइक डूइंग 50 to 70 पुशअप्स डेली, डूइंग सम चिन-अप्स, डूइंग सम कार्डियो एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग, रनिंग, आप 45 मिनट्स अगर कंसिस्टेंटली ओवर अराउंड 3 to 4 मंथ्स इनको करेंगे तो यू विल फाइंड द डिफरेंस। लोग जनरली एक्सपेक्ट करते हैं डिफरेंस बहुत जल्दी कि 1 1.5 महीने में हमारे में डिफरेंस आ जाएगा। इट वॉन्ट कम। जब आप पूरा रेजिम एक फॉलो डेढ़ महीने करोगे में क्या हो इवन जाता विद है? योर, स्टेमिना बिल्ड हो जाता है जो बिल्कुल एक सर डेढ़ महीने में, एक डेढ़ महीना बहुत ज्यादा। मैं तो कहता हूं हफ्ते में यू कैन स्टार्ट रनिंग। जो 1 किलोमीटर दौड़ रहा है वो 4 किलोमीटर तक पहुंच सकता है, जो 5 दौड़ रहा है बिल्कुल 10 तक पहुंच सकता है। डेढ़ महीने में तो शेप आ जाती है बॉडी की, मतलब वो चेहरे पे एक रौनक आ जाती है। और एंड यू बिल्कुल कैन स्टार्ट फीलिंग, आप शर्ट वर्ट पहनो तो आपको अच्छा लगता है, हाफ स्लीव शर्ट पहन के थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह करने से। डेढ़ महीने बिल्कुल में तो सर, लाइफ चेंज हो जाती है विशाल बंदे की, बिल्कुल। अगर 1 1.5 महीना कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली कर बिल्कुल दिया तो, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। और मतलब दिस इज अ थिंग, ये हैबिट ओरिएंटेड चीज है, तो हैबिट बिल्डअप करने में आपको टाइम लगेगा। तो फर्स्ट ट्राई टू बिल्ड अप अ हैबिट कि अगर आप कुछ नहीं भी प्रॉब्लम हो, आप 5 बजे जिम में हो, या फिर आपका जो भी मतलब फिटनेस के लिए आप छत पे जा रहे हो, वहां पे बेसिक मैट बिछा के कुछ बेसिक डंबल्स या फिर बेसिक पुशअप्स भी कर रहे हो, तो हैव अ टाइम कि उस टाइम पे मुझे वहां होना है। बस ये जो हैबिट बिल्डिंग की चीज है, इफ यू डू इट फॉर 1 2 वीक्स तो हैबिट बिल्डअप हो जाए, उसके बाद इट विल बी इजी फॉर यू। और और मैं, हाँ मैं क्या कहता हूँ ना, सर मैं डिफेंस एस्पायरेंट्स को, खासतौर पे आप और मेरी तरह जो मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल से हैं या केवी वगैरह से हैं, मैं उनको सर रिकमेंड करता हूँ जिम शिम मत देखो, बिकॉज गेटिंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल जिम इज बिल्कुल स्टिल एन बिल्कुल सर, इंडोर इंडोर एक्टिविटी, वो ठीक है कॉर्पोरेट वालों के लिए, इन्होंने जो बर्गर खा खा यस के यस घरों में यस बैठे रहते हैं। आप और मेरे लिए बाहर बिल्कुल बिल्कुल निकलना है, बिकॉज बाहर निकलोगे पेड़ देखोगे, चिड़िया देखोगे, लोगों को मिलोगे, यू विल ट्रेवल अ हाँ जी डिस्टेंस। बिल्कुल, आइए तो सर तो मैं ओपन ये एयर रिकमेंड जिम करता हूँ कर डिफेंस एस्पायरेंट्स के लिए कि तुम्हें बॉडी नहीं बनानी है मसल वगैरह, आप सिंपल फिजिकल एक्सरसाइज करो, पुशअप्स करो, सिटअप्स करो, चिनअप्स करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, बट गेट आउट, आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल करो। सर बिल्कुल उससे बहुत सर, कुछ और सीखने को मिल जाता है, लोग मिल जाते हैं। और बिल्कुल सर। और मैं मतलब एक ये भी कहना चाहूंगा कि सर जो ये आपने बताया कि बाहर जाना, तो एटलीस्ट गो आउट फॉर एन आवर डेली।
तो उससे आपको SSB में आपकी जो आउटडोर सीन में जो स्टोरी सेट होंगी, कि अगर आपको कोई पिक्चर किसी आउटडोर सीन की है तो उसमें भी हेल्प मिलेगी आपको। एंड जब आप यू आर टॉकिंग टू द इंटरव्यूअर, तो वहां पे आपको स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में कुछ लिखने के लिए भी होगा आपके पास। तो आई थिंक दैट इज सम अदर दैट आर सम अदर पॉजिटिव्स ऑफ दिस थिंग हाँ अबाउट डूइंग आउटडोर्स। या तो दिस इज वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, हमने मैथ डिस्कस कर लिया, गैट कर लिया, आर्ट साइंस हिंदी मीडियम कर दिया, फिजिकल फिटनेस कर दी, ये बहुत इंटेंस सेशन है, मुझे इतना मजा आ रहा है तुमसे बात करके, मैं बता नहीं सकता। अब बताओ कि कैरेक्टर क्वालिटीज की आपने शुरू में टच किया था, मैं भी बहुत टच करता हूँ, वो हैबिट्स हैं जो कैरेक्टर कैसे इंप्रूव करना है, कोऑपरेटिव कैसे बनना है, अगर सेल्फिश हो तो कैसे आपने एक अच्छा इंसान बनना है, एम्पथी ग्रेटिट्यूड, ये कैसे, इसके बारे में बताओ, हाउ डू यू कल्टिवेट दिस। सर मतलब टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज इन स्कूल, लेट्स से व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, तब तक आई वुड कंसीडर माई सेल्फ अ मोर इंट्रोवर्ट इन सम सेंसेस। कि मतलब इवन दो आई यूज टू टॉक टू पीपल, पर इन सर्टेन वेज आई फाउंड माई बिहेवियर रिपल्सिव व्हेन आई थिंक अबाउट इट। तो सर ओ उसको मैंने जो 11th 12th में और कैसे इन माई ग्रेजुएशन ईयर मैंने जो इम्प्रूव किया है सर, आई विल टॉक अबाउट इट। हाँ तो बोलो। सर मतलब मैंने एक लिस्ट बनाई थी व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, कि अच्छा इन विच ऑल थिंग्स आई वांट टू इम्प्रूव। आई मेड अ लिस्ट ऑफ सम स्पोर्ट्स, सम सीसी एक्टिविटीज एंड इवन सम बिहेवियरल क्वालिटीज दैट आई वांट टू हैव मोर ग्रेटिट्यूड, आई वांट टू बी मोर फ्रेंडली एंड आई वांट टू बी लेस सेल्फिश, द क्वालिटीज यू जस्ट मेंशन। तो सर आई वुड सजेस्ट कि सब एटलीस्ट मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट अपने ओपिनियन से मेक अ लिस्ट, राइट देम डाउन, एंड वेन यू राइट थिंग्स डाउन दे बिकम कॉन्क्रीट। दे आर नॉट जस्ट योर या थॉट, नाउ दे हैव अ फॉर्म, दे हैव बीन मैनिफेस्टेड ऑन दिस पेपर। तो वंस दे आर देयर, यू विल फाइंड इट इजियर टू वर्क ऑन देम। यू कैन टेक वन क्वालिटी एट अ टाइम और आप देखो कि वो क्वालिटी आपकी लाइफ की डेली एक्टिविटीज में कहाँ दिख रही है। लेट से इफ यू आर सेल्फिश, यू राइट डाउन दैट आई एम सेल्फिश इन सम सेंस, तो पता करो कि आपने ये क्यों कहा। बेस्ट इंसिडेंट्स कम टू योर माइंड जब आपने ये लिखा था कि आई एम सेल्फिश, तो उन इंसिडेंट्स के सिमिलर इंसिडेंट्स जब दोबारा हो तो आप मन में सिचुएशंस प्ले आउट कर सकते हो कि इस बार मैं क्या कर सकता हूँ, यह सिचुएशन ऐसी होती तो मैं क्या करता। वन, दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव यू योर डेली कन्वर्सेशन एंड योर रिलेशनशिप्स विद फ्रेंड्स, विद टीचर्स, दे विल इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स। आई हैव फाउंड दिस एज आई हैव बीन डूइंग माय ग्रेजुएशन, आई हैव फाउंड वेरी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन सर्टेन रिलेशनशिप दैट आई हैव विद माय फ्रेंड्स एंड माय टीचर्स, माय पेरेंट्स एज वेल। तो सर दिस इज अ गुड थिंग दैट वी कैन डू। इसके अलावा आई ऑल्सो लाइक नाउ दैट आई एम क्या कहते हैं, आई एम इन आर्ट्स, सो आई एम रीडिंग फिलोसफी। तो सर द फिलोसफर्स ऑल्सो हेल्प, के आई हैव बीन रीडिंग सोक्रेट्स एंड हाउ ही थॉट दैट एथिक्स जो है, जो हमारे एथिक्स हैं, दे शुड नॉट बी जस्ट ऑन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, दे शुड नॉट बी थ्योरी, दे शुड बी एप्लीकेबल टू योर लाइफ, यू शुड लिव योर लाइफ विद एथिक्स। तो सर ये सब चीजें आई हैव फाउंड देम वेरी फैसिनेटिंग। तो सर इस तरह से आई वुड से कि इफ यू रीड मोर, इफ यू वेंचर इन टू फिलोसफी या सेल्फ हेल्प बुक्स भी, टू अ सर्टेन एक्सटेंट सेल्फ हेल्प बुक्स आर हेल्पफुल, बट डोंट गो टू मच इन टू देम। तो सर या ये सब आई चीजें ऑल्सो आई वुड डोंट से रिकमेंड, कि मैं भी नहीं ज्यादा डेफिनेटली सेल्फ हेल्प बुक्स का फैन नहीं हूँ, हम तो कहते हैं डेफिनेटली जिंदगी में लोगों को ऑब्जर्व करो, वो किताबें चलती फिरती किताबें घूम रही हैं आपके आसपास, बिल्कुल आपके सर, टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सीनियर्स, आपके कलीग्स, आपका कोई जूनियर भी ऐसा हो सकता है जो कि बहुत इंस्पायर करे आपको, कोई किताब में भी बिल्कुल नहीं सर, लिखा बिल्कुल होगा, तो मैं तो ये कहता हूँ बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट करो लीडरशिप को, कोई किसी की अच्छी सर, बिल्कुल क्वालिटी मिली उसको कॉपी के अपनी लाइफ में पेस्ट कर दी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल कॉपी पेस्ट सर, दिस इज द बेस्ट टेक्निक, बिकॉज इन अ सेंस नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ओरिजिनल, वी हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर ओनली। तो सर लर्न एब्सोल्युटली फ्रॉम ईच अदर, लर्न फ्रॉम द ग्रेट मैन हु हैव लिव्ड, रीड ऑटोबायोग्राफीज, यू विल फाइंड सर्टेन यू नो कैरेक्टर ट्रेट्स, यू कैन पिक देम अप एंड अप्लाई टू योर लाइफ। तो आई थिंक दोज आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन हेल्प यू बिल्ड अ ग्रेट कैरेक्टर। एंड अगर आपका एक बार कैरेक्टर अच्छा हो जाता है देन अच्छा, लाइक इट इज अ सब्जेक्टिव थिंग कि कौन सा कैरेक्टर अच्छा है, बट इफ यू आर एबल टू अचीव वॉट यू थिंक यू शुड इन कैरेक्टर वाइज, तो उसके बाद यू विल ऑल्सो फील गुड विद अबाउट योर सेल्फ, यू विल ऑल्सो ट्राई टू फर्दर इम्प्रूव थिंग्स। तो सर आई थिंक दैट इज अ ग्रेट वे, कैरेक्टर इज अ थिंग नहीं दैट नीड्स टू बी वर्क अपॉन। मैं मुझे ना तेरे से बात करके मुझे मैं आई एम बैक इन स्कूल, मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हारे और मेरे में इतना 40 साल का तो उम्र का गैप है और इतना स्कूल का गैप है, मुझे याद आ गया कि मेरे में चेंजेस कैसे आया।
मैंने महात्मा गांधी की बुक पढ़ी, मैं जब स्कूल में था, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, और आज डेफिनेटली लोग ना उसको कई बार ऐसी नेगेटिव बातें कह रहे थे, मुझे बहुत अफसोस होता है, बिकॉज हिज लाइफ वॉज ऑल अबाउट दिस, ही लर्न हिमसेल्फ, कैसे उसने अपने आप को इवॉल्व किया, मैं हैरान हूं। और इतना फ्रेंकली उसने उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपनी जिंदगी के बारे में लिखा है कि उसने सच्चाई से कैसे सामना किया, कहां कहां उसके मन में दुविधा आई। यू नो इवन व्हेन हिज फादर वॉज डाइंग, यू नो ही वॉज न्यूली मैरिड, और उसको सारी उम्र ये गिला रहा, यार आई वॉज विद माई वाइफ एट दैट टाइम इन बेड वेयर आई शुड हैव बीन विद माई पेरेंट स्टैंडिंग यस नेक्स्ट टू। सर तो ऐसी बहुत सी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ के मुझे बहुत बहुत दिल को छुआ, निर्मला, गोदान, बिल्कुल गबन, टैगोर की गोरा पढ़ी मैंने, बहुत मेरे दिल को छुई। सादत बिल्कुल हसन मंटो की आजादी के बारे में वो इतना लिख के चला गया, मेरा ना तार तार हो गया जमीर, और तभी से मुझे ना ये रिलीजियस कोई बात करता मुझे बहुत बहुत खुफ्त होती है, कोई धर्म की बात करता, तब से सर वो कि भाई तुमने तो लाखों लोगों का कत्लेआम कर दिया, आज फिर वही चलाना चाहते बिल्कुल हो। बिल्कुल सो सर दी थिंग, रीडिंग इज सो इम्पोर्टेंट, रीडिंग इज सो बिल्कुल सर इम्पोर्टेंट, एंड रीडिंग ऑटोबायोग्राफीज ऑफ ग्रेट पीपल, और यू नो बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं हमारी हमारे, आप बुल्ले शाह के शब्द सुन लो, कबीर के शब्द बिल्कुल सुन सर लो, सूरदास को सुन लो, नानक, गुरबाणी पूरी की पूरी लाइफ की वो है, बिल्कुल गुरबाणी सर का कोई शब्द उठा लो आप, बिल्कुल सर तो ये भी चीजें, अगर आपको एक रिचुअलिस्टिक उसकी बजाय फिलोसफी की तरफ अगर आप आओगे तो आपकी लाइफ बहुत चेंज हो सकती है, बड़ी बिल्कुल क्वालिटीज सर। आप पिकअप कर सकते हो। और जो सर हमारी जो ईस्टर्न फिलोसफी है, जो हमारी सर इंडियन फिलोसफी है, इट हैज बीन क्वाइट रिच। तो मतलब अगर आप इसमें भी वेंचर करोगे तो आप अपने कल्चर के बारे में भी थोड़ा ज्यादा जानोगे, तो एब्सोल्युटली यू कैन डू दिस। और कुछ ऐसा कोई नैरो लाइंस नहीं बिल्ड करनी कि मैं ये पढ़ूंगा, इस तरह के ऑथर्स पढ़ूंगा। रीड एवरीथिंग दैट यू कम अक्रॉस एंड देन थिंक योर ओन। तो उससे अपने आप आपको मतलब पता चलेगा कि किस तरह से सोचना है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टू नो हाउ टू थिंक। तो सर ये सब चीजें जो बेसिक हैं बिल्कुल ये पढ़ते हुए आएंगी। यू मेंशनड योर माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। सर व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल आई सॉ दिस मूवी गांधी बाय रिचर्ड ऑटनबरो, एंड सर या इट हैड सच अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन मी। दैट डे आई थॉट दैट गांधी हैज टू बी अ आइडियल पर्सन, ही इज माय आइडियल पर्सन। हाउ हाउ ही इज डीलिंग विद सिचुएशंस, हाउ इवन आफ्टर दीज मेनी एट्रोसिटीज ही इज दिस काम। तो सर बिल्कुल सर। और उसके अलावा इट क्या कहते हैं, इट मोटिवेटेड मी टू रीड फर्दर अबाउट हिम। तो सर ऐसी चीजें करनी चाहिए बिल्कुल। बुक्स एंड मूवीज दे शुड बी टेकन इन द राइट स्पिरिट। तो ये भी हम कर सकते हैं बिल्कुल। मैं ना 93-94 में मैं यूएन में गया, सो आई ट्रेवल्ड अक्रॉस साउथ अफ्रीका, आई ट्रेवल्ड अक्रॉस साउथ अफ्रीका, मैंने वो इलेक्शन होते देखे 94 के, जब नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, तो आई वेंट टू अरे दिस बिल्कुल प्लेसेस जहाँ गांधी जी की जिंदगी से जुड़े हुए थे, और तब मैंने रियलाइज किया ये बंदा यहां से सब कुछ छोड़ के एक बढ़िया बिजनेस, एक ऐसे लॉयर, टॉप लॉयर बन गया था, वो छोड़ के हिंदुस्तान आना, एक फकीर की जिंदगी जीना, और फिर बिल्कुल आजादी के लिए लड़ना अगेंस्ट कॉलोनियल मास्टर्स, वो लाइफ, और फिर मैंने नेल्सन मंडेला की जिंदगी देखी, 27 साल जेल में रहा, और उसने एक बार भी उसके मन में द्वेष नहीं था अपने वार्डन्स के खिलाफ, उसने कोई इंक्वायरी नहीं करी सर कि मुझे किस वार्डन ने कितना तंग किया। एंड देन वॉचिंग दिस मूवी इन्विक्टस, ये नेटफ्लिक्स हाँ पे सर पिक्चर इन्विक्टस है, जितनी बार देखो कम है बिल्कुल ना, सर आपने बिल्कुल देखी बिल्कुल होगी, वो पोएम भी मेरी बिल्कुल सर फेवरेट है, यू नो मास्टर ऑफ यस माय, सर यू नो मास्टर ऑफ माय सोल फेट एंड आई एम द कैप्टन ऑफ माय कैप्टन सोल एंड ऑफ मास्टर ऑफ माय फेट, है ना। तो ये योर इन फेट लोगों का पढ़ो तो लाइफ चेंज होती है, व्हाट्सएप पढ़ोगे तो फिर तुम कुछ और ही सर। सोचना शुरू कर दोगे। मतलब सर यस्टरडे ओनली आई हैड टू गिव अ स्पीच ऑन गांधी जयंती इन माय कॉलेज। आई वाज कॉल्ड टू गिव अ स्पीच। तो सर देयर आल्सो आई टॉक्ड अबाउट दिस कि मतलब व्हेन आई वाज गोइंग टू सोशल मीडिया यस्टरडे, तो आई फाउंड सर्टेन नेगेटिव पोस्ट अबाउट गांधी जी एंड ऑल। तो सर मतलब वी कैन नॉट जज अ पर्सन फ्रॉम सम सिंगल इंस्टेंसेस दैट हैपेंड हियर एंड देयर। अ पर्सन इज इवॉल्विंग कॉन्स्टेंटली, ही इज कॉन्टिन्यूअसली इवॉल्विंग। तो सर इवन इफ ही डिड सम मिस्टेक्स इन हिज यंगर डेज, ही फाइनली रियलाइज देम एंड दैट प्रोसेस दैट ही कुड चेंज हिमसेल्फ, दैट मेड हिम महात्मा। तो सर वी हैव टू रियलाइज दैट ही वॉज अ ह्यूमन एंड हाउ ही चेंज। तो सर एंड एब्सोल्युटली सिमिलरली वी हैव टू अप्लाई टू आवर लाइव्स एज वेल कि हम सर पहले बहुत खराब थे इफ हम बट नाउ वी हैव टाइम वी कैन इम्प्रूव। वी हैव जस्ट स्पेंड 20 to 25 years ऑफ आवर लाइफ एट मैक्सिमम। तो हम अब इम्प्रूव करेंगे तो भी वी हैव अराउंड 50 गुड ईयर्स टू लिव। तो एग्जैक्टली वी कैन डू वंडरफुल दिस।
विशाल, वंडरफुल. आई स्टार्टेड चेंजिंग इन स्कूल बाय रीडिंग, यू नो. तो मैं तुम्हारे से बात करके मैं तो चला गया, 40 साल पुरानी बातें, मुझे सब पूरी लाइब्रेरी यूं की हूँ. मुझे अभी भी याद है कौन से शेल्फ में कौन सी किताबें होती थी, सुमित्रा मैडम कहाँ बैठती थी. और आज भी मैडम मेरी चलिए, सबसे सबसे क्लोज टीचर है. 2 साल पहले वो लद्दाख में आई अपनी फैमिली के साथ एज माई गेस्ट, मेरे घर में आई. एंड सो फॉर मी दैट वॉज गुरु दक्षिणा टू माई यू नो लाइब्रेरियन सुमित्रा मैडम. अभी भी हमारी बात होती है सुमित्रा मैडम से, आप लोगों ने भी देखा है मैडम को. तो विशाल बहुत अच्छा लगा. डिस्कस हम करना चाहते हैं 40 डेज स्ट्रेटजी टू क्रैक एनडीए, और हम चले गए फिलोसफी की तरफ और कहाँ का साउथ अफ्रीका भी घूम के आ गए. तो दोबारा मैं बिल्कुल सर, ऑडियंस को बता दूं कि विशाल इज अ रोल मॉडल. ही क्लियर्ड एनडीए, क्लियर्ड SSB, अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट गेट थ्रू द मेडिकल. मेडिकल का जरा बता दो, बिकॉज लोड ऑफ बच्चे पूछ रहे हैं मेडिकल में क्या हुआ, किस लिए यू गॉट रिजेक्टेड. सर आई हैड होल्स इन माय ईयर ड्रम्स। तो सर दे आर क्वाइट स्मॉल होल्स, दे आर 0.2 mm होल्स। तो सर उनसे मेरी जो हियरिंग फ्रीक्वेंसी है फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन इट्स अराउंड 95 to 100%। फॉर वन ऑफ माई ईयर्स इट्स 85% एंड फॉर द अदर वन इट्स अराउंड 92%। सो इट्स अ वेरी माइनर टेक्निकलिटी, बट देन अ रिजेक्शन इज अ रिजेक्शन। तो सर आई ट्राई टू गेट देम ऑपरेटेड, आई हैड टू ऑपरेशंस, बट अनलकीली इट इज अ क्वाइट अ सिंपल प्रोसीजर, बट माई ऑपरेशंस फेल्ड बोथ ऑफ द टाइम। तो सर आई कुड नॉट ज्वाइन इवन आफ्टर हैविंग टू ऑपरेशंस। देन लेटर आई फाउंड आउट दैट देर वॉज सम जेनेटिक एनोमली, दिस वन द पैसेज दैट कनेक्ट्स माई नोज टू माई ईयर्स इट्स अ बिट नैरो। तो देर आर सर्टेन एनोमलीज विद एयर प्रेशर, सो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। बट देन सर मेडिकल इज अ फार, लाइक इट इज फार अहेड। उससे पहले आप रिटन और SSB को क्लियर करो, यू विल हैव अ सर्टेन कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ। उसके बाद इफ इफ देर इज एनीथिंग इन द मेडिकल, देन वी कैन डील विद इट ऑन केस बाय केस बेसिस। और मेडिकल इज नॉट दैट हार्ड, अगर मतलब इफ यू आर अनलकी इनफ तो जैसे मेरी तरह तो यू वुड गेट रिजेक्टेड, बट मेडिकल का रिजेक्शन रेट इतना ज्यादा नहीं है, बहुत स्मूथली हो जाता है। आप SSB और रिटन पे फोकस करो एंड डोंट टेक लाइक टू मच, डोंट थिंक टू मच अबाउट मेडिकल के व्हाट विल हैपन। एंड आर्मीज लॉस मे बी गेन फॉर द नेशन एंड फॉर यू. ये भी मैं बता दूं विशाल, आज आपसे बात करके आप 10 साल बाद मुड़ के डेफिनेटली कहीं सर, आई मिलेंगे ट्राई ना, टू। कहेंगे सर अच्छा हुआ मैं वहां मेरे को मेडिकली रिजेक्ट कर दिया. बिकॉज बिकॉज स्काई इज द लिमिट फॉर समबडी लाइक यू. स्काई इज द लिमिट एंड आई विश यू अ वंडरफुल बिल्कुल सर, फ्यूचर. आप 100% क्रैक करोगे एंड आई विल सी योर पिक्चर वेरी सून, यू नो, एज अ सिविल सर्विसेज ऑफिसर, वेर यू विल बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट मच मोर, बिकॉज आपका स्फेयर बढ़ा, आपका स्फेयर बढ़ जाता है एकदम. डेफिनेटली बहुत से लोग पूछते हैं इसे, यार कांट डेफिनेटली कंपेयर आर्मी एंड सिविल सर्विस, यू कांट कंपेयर एज फार एज नेशनल ड्यूटी इज कंसर्न, यू कांट कंपेयर. सो यू विल गो एंड बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा. दिस वन ऑफ माई बेस्ट सेशंस. एंड थैंक यू किशन एंड फॉर माई थैंक स्कूल टू प्रोड्यूस सच वंडरफुल बॉयज, रियली बहुत अच्छा लगा यू सर, विशाल. थैंक यू एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क मी. सर। डेफिनेटली वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू, हाउ लाइक इट इज अ थिंग दैट वी बोस्ट अबाउट, हाउ सच अ ग्रेट ऑफिसर वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम आवर स्कूल। एंड इवन नाउ सर, सर्टेन ऑफ सम ऑफ माई फ्रेंड्स इन कॉलेज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर नेशनल डिफेंस अकेडमी एग्जाम, दे वेंट थ्रू योर चैनल एंड देन वन डे आई टोल्ड देम अबाउट यू दैट ही इज माई सीनियर। एंड लाइक इट वॉज अ ग्रेट थिंग टू द लुक ऑन देयर फेस दैट हाउ लाइक वी आर कनेक्टेड इन सम वेज, हाउ एवर रिमोटली। सर इट वॉज अ ग्रेट थिंग, वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ ऑफिसर्स हु कम आउट फ्रॉम द स्कूल। दिस इज अ ग्रेट थिंग सर, इट वॉज अ Thank ग्रेट you, सेशन and फॉर मी एज वेल। I love to do a session for your friends in your college. Anything, this thing, कभी भी, I would love to connect with them. Tell them to subscribe to my channel and also I have a डेफिनेटली Telegram group basically created. So उसमें भी almost 5,000 बच्चे हैं. तो उसमें आपस में ही बच्चे जवाबों सवालों का जवाब, एंड यू बिकम पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी. सो देर इज एन इको सिस्टम. कोई घबराया हुआ है, कोई कुछ है, तो कोई ना कोई हम उसको. प्लस आई एम टीचिंग ऑन अन अकेडमी करंट अफेयर्स दिस डेज. इतने 300 बच्चे अटेंड करते हैं मेरी क्लास. अभी है मेरी 2 बजे क्लास है रोज, उससे और बच्चे जुड़ गए. और मैं वो करंट अफेयर्स जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मैं दुनिया भर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ. सो इट्स वंडरफुल टू स्टे कनेक्टेड विद मी इन सम वे. हमने अगर किसी की जिंदगी में कुछ चेंज कर सकते हैं तो वाई नॉट. एंड वंडरफुल स्पीकिंग टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. और आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए, 40 डेज हाउ टू क्रैक एनडीए, बहुत से बच्चों को फायदा होगा.
So, Vishal Dubey, wonderful session with you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thanks. you. Getting in touch with you was amazing. Thank you, sir. Always a pleasure. Thank you, Vishal. So, friends, we had Vishal Dubey on our show, and आपने सुना, आपने देखा कि 40 डेज में हाउ टू क्रैक एनडीए, हिंदी मीडियम वाला कैसे कर सकता है, आर्ट्स का कॉमर्स का स्टूडेंट कैसे कर सकता है, मैथ्स कैसे क्रैक करना है जो मैथ्स में वीक है, जो इंग्लिश में है उनको कैसे तैयारी करनी है। तो इससे अच्छा सेशन मैं सोच नहीं सकता था, एक यंग बच्चा आपके सामने अपने एक्सपीरियंस से। फिर SSB की कब से तैयारी शुरू करनी है, पर्सनैलिटी कैसे चेंज करनी है, कैरेक्टर क्वालिटीज, कैरेक्टर आपका जो चरित्र है उसको कैसे बदलना है, उस पर कैसे काम करना है। एंड मेडिकल चांस की बात है, मेडिकल की चिंता नहीं करनी है, जब होगा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। है होल्स इन ईयर ड्रम्स, सो अनफॉर्चुनेटली गॉट रिजेक्टेड, बट दिस बॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ हैविंग क्रैक्ड SSB, ये सारी उम्र आपके साथ चलेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेशन आपको आपको लेके आया। आई होप इट विल बी यूजफुल टू यू, स्पेशली फॉर दोस्त हू आर गोइंग टू क्रैक दी एनडीए एग्जाम। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, जस्ट गो एट इट, ठीक है, छोड़ना नहीं अभी, जस्ट वर्क हार्ड। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, थैंक यू, जय हिंद।